स्मीरपुर में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के सहयोग से शुरू किए गए प्रशिक्षण शिविर में प्रथम ग्रुप में चयनित 20 महिलाओं को प्रयास सोसाइटी हमीरपुर के अनुरोध पर ईपीसीएच द्वारा भेजी गई सिलाई कढ़ाई तथा बुनाई में प्रयोग की जाने वाली किट रमेश कुमार बीडीओ बमसन के हाथों वितरित की गयी। स्मीरपुर में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के सहयोग से शुरू किए गए प्रशिक्षण शिविर में प्रथम ग्रुप में चयनित 20 महिलाओं को प्रयास सोसाइटी हमीरपुर के अनुरोध पर ईपीसीएच द्वारा भेजी गई सिलाई कढ़ाई तथा बुनाई में प्रयोग की जाने वाली किट रमेश कुमार बीडीओ बमसन के हाथों वितरित की गई। प्रयास संस्था के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि ये शिविर पिछले 15 दिन से चल रहा है और इसमें चयनित महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक शिविर खैरी में भी चल रहा है, जहां पर चयनित लोगों को बांस से निर्मित होने वाले हस्त शिल्प कलाकृतियों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों हस्तशिल्प का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का जो एक पुनीत कार्य किया जा रहा है, इसमें केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान, जिसके लिए वे क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्रुप की महिलाओं तथा अन्य उपस्थित प्रयास संस्था के पदाधिकारियों को बीडीओ द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कई वाले बैंक 12% लेते हैं, कई वाले बैंक 13% लेते हैं और कई 14 भी लेते हैं, लेकिन ये जो हमारी सरकार की स्कीम है इसमें जो है वो 7% तक मिलता है। मतलब अगर आप